हे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर गुड। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:15 ऐसे कुछ हो रखे हैं। तो अभी मेरा सारा काम हो चुका है और जैसा कि आप लोग को मैं दिख रही हूँ रेडी, तो अभी रेडी हुई हूँ और आज ना मैं फटाफट सारा काम किया। पता है वो यार कितना अजीब सा हो रहा है। सो आज मैंने फटाफट सारा काम किया क्योंकि ना अभी क्या भाई तुम किधर इधर आ रहे हो। हाँ तो क्योंकि ना अभी हम लोगों को जाना है एक लेक्चर पे। हाय, सो इधर जीने को देखो, जीने भी रेडी हो चुकी है। हाय कह दो। तो मैंने जीने को बनाया है ब्लू, क्योंकि मैंने भी ब्लू बनाया, तो मैंने उसको ब्लू बनाया। हाँ हाँ ठीक है, आपका पानी हो गया। तो अभी आज नीरज मतलब लेक्चर है, तो लेक्चर में मतलब हमारा नाम भी दिया है, तो नीरज विद फैमिली का है। तो नीरज और मैं जाएंगे जीना के साथ लेक्चर पे। और यार इतनी धूप हो रही है ना यार, अच्छी सनस्क्रीन भी मेरा पता है बह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा सनस्क्रीन सारा नीचे गिर रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, अंदर ही इतनी गर्मी हो रही है। ए नीरज, हाँ एसी होगा नहीं होगा? हाँ एसी है, चलो एसी में तो बैठेगी कम से कम यार इतनी गर्मी में। फिर और जिनल के साथ तो वैसे भी दिमाग खराब, जिनल को ना वैसे भी थोड़ा सा कोल्ड कफ हो रहा है, पता नहीं मौसम ही ऐसा हो रहा है आजकल, सबको जुकाम उकाम हो रहा है। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट बनाई थी इडली वगैरह, अभी नेक्स्ट टाइम मैं आप लोग को पक्का शेयर करूंगी इडली की रेसिपी। क्या कह रहे हो, कुछ कहा आपने? यार जिनल का पानी का पाउडर भी डाल देती हूँ, अब तो जिनल का बैग पैक कर लेती हूँ यार, फिर नहीं तो कुछ भूल जाऊंगी। तो मैं ये अलाना डी मार्ट से बैग लाई थी, छोटू सा आउल वाला, इतना प्यारा सा है। मेरे पास एक और बैग था पहले, जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी तब लिया था मैंने, लेकिन वो फट गया, उसकी जो चेन फट गई थी और पुराना टाइप का हो गया था, तो मैंने वो फेंक दिया। ये नया वाला लेके आई, छोटा सा प्यारा, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है। तो इस पर मैंने डाल रखा है, क्या डाला बताऊँ, बिस्किट और हैंकी, पानी का बॉटल भी डाला था, पता नहीं कहाँ चले गई जिनल। जिनल यहाँ से दूध लेके आओ, नोजी आ रही है, हैंकी कह रहा है नोजी आ रही है, तो दूध लेके आओ, चलो चले जाओ। तो अभी ना हमारे नीचे दूध वाले भैया आए, जिनल दूध लेके, यहाँ यहाँ इधर 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 यहीं पर आएगा दूध, दूध यहीं पर आएगा, नीचे नहीं जाना। तो ये मैडम लेके आती है दूध, चलिए आओ। आप लोग इसको देखना ठीक है, इतनी समझदार हो गई ना, खाली दूध अपने काम से समझदार है, क्योंकि इसको पता है ना ये इसका आइटम है। हाँ चलो रखो, कहाँ रखते हैं इसको, कहाँ रखते हैं दूध, रख के आओ, देखना अभी जाएगी और फ्रिज खोलेगी, फ्रिज में डालेगी। देखो भाई को इतना गुस्सा आ रखा है। हाँ रखो, गुड, अब बंद करो, अरे बंद करो चीची। हाँ बस थैंक यू, मेरा बहुत काम करने वाला बच्चा हो चुका है ना मेरा बेटा। तो एलर्जी हो गया। तो गाइस अभी ना बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, इतनी धूप हो रही है, तो हम लोग आए हैं गन्ने का जूस पीने, यहाँ पे बन रहा है गन्ने का जूस, जीनल भी पिएगा, देखो जीनल कैसे देखी हुई है, और जूस क्योंकि जूस जूस गन्ने का जूस पीते हैं यार, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, प्यास लगे जा रही है और बहुत धूप, देखो कितनी भयंकर धूप लगी है यार, और MP की धूप तो बहुत ज़्यादा लगी है। मैं जूस पिलाऊं। सो गाइज हम लोग आए थे पार्क में और देखो मैडम ना इतनी इज्जत करी ना इसमें बैठने के लिए, तो देखो बिठाई दिया क्या यार, और ए जीनल इतना रोया, इतना रोया ये, और मेरा अभी फोन पे भी नहीं हो रहा था। हाँ ये आया मजा, वाओ ट्रेन आज हम लोग बना रहे हैं ब्रेक सॉरी डिनर पे आलू के पराठे, नीरज को मैंने दे दिए हैं, ये मैं अपने लिए बना रही हूँ, अब जिनर के बनाऊंगी इसके बाद। हाँ भाई बहुत ज़्यादा थक गया मैंने, अभी दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ज़्यादा इतनी गर्मी थी, अचानक से इतना शाम को इतनी ज़्यादा बारिश वाला मौसम हो गया, पहले तो हवा चलने लगी, क्या लगाया यार इसने,
पहले तो हवा चल रही थी, फिर उसके बाद अचानक से क्या बोलते हैं बारिश आने लग गई। काफी अच्छा मौसम हो गया आज का। मेरा पराठा भी जल रहा है यार देखो। ए नहीं बेटा नहीं टूटेगा। तो ये ना मैंने नया वाला वो मंगा रखा है ट्राईपॉड, अब पता नहीं कैसा काम कर रहा है, मुझे अभी अच्छे से आ नहीं रहा है, थोड़ा हाथ सेट करना पड़ेगा इसमें। मैंने अभी इससे एक दो वीडियो शूट किया, मत कर किसी पे टेढ़ा मेढ़ा ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब धीरे धीरे आदत बनेगी ना इसकी। सस्ता ही है, 300 रुपये तक का है शायद। और जल्दी से कर लेते हैं, मैं भी खा लेती। मत करो बेटा, इसके ना अलग काम होते हैं। देखो सिलेंडर में चम्मच ठोक के बजा रहा है। तो आज मैंने जल्दी से, और आज रात को पराठा पता क्यों बनाया, वैसे मतलब रात को आलू का पराठा बनाती नहीं हूँ मैं, लेकिन ये आज नाइट ड्यूटी था और लाइट चली गई थी बहुत सब की। उसकी यहाँ इधर आओ, मौसम की उससे लाइट चली गई थी, तो नियर जी आके जल्दी कर यार मेरे को लेट हो रहा है। तो मैंने आलू थे मेरे पास दोपहर के बॉईल किए हुए, मैंने खिचड़ी में यूज़ किए थे, तो मैंने कहा कि चलो उसी से मैं आज मैं रोटी आटा कूट देती हूँ, फटाफट बना देती हूँ, और आधे पराठे बना देती हूँ, उसके बाद लाइट भी आ गई। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग भी शूट कर लेती हूँ उसके साथ ही। तो ये रीज़न है मेरा आलू का, मतलब आलू का पराठा बनाने का रात को, नहीं तो सुबह ही खाते आलू का पराठा। तो और मत के बिट्टू सिल्वर चटनी के साथ खाएंगे हम लोग। पहले मैं सोची थी मूंगफली की चटनी या दही वाली चटनी कर दूँ, बट लाइट नहीं थी, फिर नीरज को खाना था तो उसको तो मैं दे दिया, वो खा उन्होंने खा भी लिया है। अब हम मैं खाती हूँ, फिर नीरज के बनाऊंगी क्योंकि अभी उन्हें खाएगी, इसने बिस्किट वगैरह खाया है। तो चलो यार, सो गाइस इसके साथ करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। होप्स आप लोग को वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी से नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।